श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा आसनसोल के राहल लेन स्थित श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम जन्मोत्सव मनाया गया। 3 दिन तक चले इस उत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार की शाम एकादशी के दिन बाबा श्याम के भव्य दरबार श्री श्याम मंदिर में लगाया गया। बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया था तथा अखंड ज्योत जलाया गया था। बिजली की रोशनी के साथ ही भक्तों की अपार भीड़ और भजनों से श्री श्याम मंदिर का दरबार जगमग कर रहा था। शाम 5 बजे श्याम बाबा की ज्योत जलाई गई। उसके पश्चात स्वामणि का भोग लगाया गया। आरती के बाद सर्वप्रथम गणेश वंदना की गई एवं उसके उपरांत कानपुर से पधारे झांकियों ने अपना कला प्रस्तुत की। रासलीला, फूलों की वर्षा, इत्र की महक एवं अलौकिक भव्य दरबार से पूरा वातावरण भक्तिपूर्ण के साथ ही उल्लास व उमंगमय हो गया। जयपुर से पधारे दिनेश जी संगम ने बाबा श्याम के दरबार में मीठे मीठे भजनों की हाजिरी लगाई, जिसका भक्तजन ने भरपूर रसपान किया, आनंद उठाया। श्याम प्रेमी उनके भजनों पर अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी श्याम प्रेमी झूम उठे। तूफानों से डरो, अगर तुम सा हो बाजी, काहे को फिकर न करो, तेरे होते बाबा। जो तूफानों से डरो हो सामरे, हो सामरे, हो सामरे, सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी जीवन नैया का माझी वो सुदर्शन चक्रधारी है। हमें उसकी नहीं, उसको चिंता हमारी है। बजाई है, मोर मुकुट वाले ने ऐसी बजाई है।
इसके बाद बेसब्री से सिंदूरी हनुमान नृत्य नाटिका का इंतजार किया जा रहा था। कानपुर से पधारे कलाकारों ने आसनसोल में पहली बार सिंदूरी हनुमान जी की नृत्य नाटिका इस मनभावन स्वरूप में प्रस्तुत किया कि भक्तों की आंखें खुली की खुली रह गई। श्री श्याम मंदिर में पहली बार इस बड़े स्तर पर श्री श्याम जन्मोत्सव के आयोजन पर श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताराम बागड़िया और सचिव दीपक तोद्दी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ जो अभी श्याम जन्मोत्सव का महोत्सव हो रहा है, ये बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया आसनसोल के लिए, आसनसोल वासियों के लिए, सारे नगर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ये पंचम साल है, 2 साल बीच में प्रोग्राम नहीं हुआ ड्यू टू कोविड लेके प्रोग्राम नहीं बन सका था। इस साल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुए हैं। कल 3 तारीख को जो झांकी निकली शोभा यात्रा, निशान शोभा यात्रा, वो देखने लायक थी। इसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा रोल था और बहुत धूमधाम से यहाँ आदमी आ रहे हैं। बहुत ही बाबा की बड़ी कृपा है, जो भी यहाँ पर मंगते मांगते हैं
उसकी मंगत पूरी होती है। बाबा के जन्म उत्सव पे कार्तिक सुदी एकादशी का यह आयोजन होता है। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट इस आयोजन को हर साल करता है और आगे भी जिस तरह से भक्तों का सहयोग मिला है, आगे हमें और भी सहयोग मिलेगा। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, सबके घर में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो, खुशियों की भरपूर आनंद सर है। श्याम बाबा को दर्शन और श्री श्याम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आसनसोल के उपमेयर अभिजीत घटक भी पधारे थे। भजनों को सुनकर और नृत्य नाटिका देखकर वे भी भाव विभोर दिखाई दिए। कल भी हम लोग जो निशा यात्रा था उसमें उपस्थित थे। आज यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कितने सारे तादाद पर भक्त यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ से ऊपर आके बहुत ही अच्छा लगा है। और एक अच्छा भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी को कुशल मंगल रहे, सभी को उन्होंने अच्छा रखे और आने वाले दिन सबका अच्छा से गुजरे, आसनसोल का भी तरक्की हो। खास करके ये श्याम मंदिर जो बना है ये तो एक देखने लायक चीज़ है। आसनसोल में बहुत बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर ये मंदिर में पूजा करने और यह मंदिर में दर्शन करने। अभी हमसे बहुत आदमी का भेंट हुआ जो जामुड़िया से आए हैं, कोई पटवेश्वर से आए हैं, कोई रानीगंज से आए हैं। तो आसनसोल में जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर आज यहाँ पर है, खाटू नरेश का, ये बहुत ही अच्छा जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। श्री श्याम जन्मोत्सव का महिला श्रद्धालु ने खूब आनंद उठाया। इस आयोजन में उनकी बड़ी भागीदारी देखी गई। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत हमेशा जब भी फंक्शन होता है या फिर ऐसे भी आम दिनों में भी हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारा बहुत श्रद्धा भक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ है। श्याम बाबा से जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को बाबा के मंदिर में आके, बहुत भव्य उत्सव हुआ है, बहुत आनंद आ रहा है। जय बाबा की। बहुत आनंद आया बाबा के मंदिर में आके, बहुत बहुत आनंद आया। जय श्री श्याम।